नमस्कार, एंटरटेनमेंट की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल टीवी, मैं हूं आपके साथ चंद्रशि। एंकर ने सनी देओल की जगह लिया सनी लियोनी का नाम। कई बॉलीवुड सेलेब्स इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर उतरे, लेकिन इनमें सनी लियोनी का नाम शामिल न होने के बावजूद वो चुनावी नतीजे घोषित होते समय चर्चा में आ गई। दरअसल चैनल पर चुनावी नतीजों लाइव दिखाते हुए न्यूज एंकर ने सनी देओल की जगह सनी लियोनी का नाम ले लिया। गुरदासपुर पंजाब से आगे बता दिया उन्हें। इस गलती का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए सनी लियोनी ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा कि मैं कितने वोटों से आगे चल रही हूँ। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी काफी मजेदार कमेंट किए और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की। रणवीर सिंह ने दिखाया दीपिका का बचपन फोटो की शेयर। रणवीर सिंह ने वाइफ दीपिका की खूबसूरत फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने स्नैपचैट की बेबी फेस फीचर के जरिए दीपिका को बच्चा बना दिया। जिस फोटो के साथ रणवीर ने ये एक्सपेरिमेंट किया वो दीपिका का कांस वाला लुक था। रणवीर ये फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। दीपिका ने कांस में दूसरे दिन डिजाइनर बिया बटिस्टा वाली ड्रेस पहनी थी। उन्होंने सिर पर पिंक स्कार्फ बांधा था, इसे हस्बैंड स्कार्फ भी कहा जाता है। उन्होंने ड्रामेटिक ड्रेस के साथ स्मोकी आईज, न्यूड मेकअप और मिडल पार्टेड बन से अपने लुक को कंप्लीट किया था। और मर्दानी 2 की शूटिंग के दौरान कोटा के पुलिस कर्मियों से मिली रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी राजस्थान में अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 2 की शूटिंग कर रही है और इसी दौरान उन्हें एक अनौपचारिक सभा में कोटा पुलिस फोर्स और उनके परिजनों से मिलने का न्योता दिया गया। फिल्म में रानी राजस्थान के टॉप कॉप की भूमिका में नजर आएंगी। इस दौरान वो शहर की टॉप फीमेल कॉप डॉक्टर अमृता दुहान, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी मिली। प्रियंका चोपड़ा मिली शरणार्थी बच्चों से। कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्लैमरस डेब्यू के बाद प्रियंका चोपड़ा इथोपिया के अदीस अबाबा के शरणार्थी कैंप में पहुंची। बतौर यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ वक्त बिताया और उन्होंने यहाँ से कुछ फोटो और अपने अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर किए। और विवेक ओबेरॉय को मिली जान से मारने की धमकी। विवेक ओबेरॉय को बुधवार को नक्सलियों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद अभिनेता को मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की तरफ से धमकी विवेक को पीएम मोदी की बायोपिक को लेकर दी गई है। विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या राय बच्चन पर विवादित मीम को लेकर सुर्खियों में है, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। और गली बॉय के एमसी शेर के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, हॉलीवुड फिल्म के लिए देंगे आवाज। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और सानिया मल्होत्रा अगले महीने रिलीज होने वाली हॉलीवुड सुपरहिट फ्रेंचाइजी मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल सीरीज की नई फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ और टेरेसा हेम्सवर्थ की आवाज बनने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सिद्धार्थ चतुर्वेदी हिट फिल्म गली बॉय में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। तो ये थी आज की गर्मा गर्म गॉसिप एंटरटेनमेंट की। आगे की खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंटरनेशनल टीवी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।